उत्तर प्रदेश में दो चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पे हैं। इसी बीच केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री सतपाल सिंह बघेल के काफिले पर मैनपुरी जिले के अतिकुल्लापुर गांव के पास पथराव और लाठियों से हमला किया गया, जिसे लेकर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि एसपी बघेल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं करवाई से अतिकुल्लापुर होते हुए करहल की यात्रा कर रहा था, तभी बीच रास्ते में अचानक कुछ लोगों ने खेतों से बाहर आकर हमला कर दिया। वे अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जब उन्होंने हमला किया तो उनके पास लाठी डंडे और लोहे की रॉड थी। उन्होंने कहा कि उनके नाम का खुलासा करने वाले एक शख्स ने कहा था कि मंत्री को आज बख्शा नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद मैनपुरी पुलिस ने ट्वीट किया है कि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के काफिले पर आज शाम करहल थाना क्षेत्र के अतिकुल्लापुर गांव के पास पत्थर और लाठियों से हमला किया गया, मामला दर्ज किया जा रहा है और मंत्री ठीक। वही मंत्री ने बताया कि एक व्यक्ति ने कहा कि वह उमाकांत यादव हैं और कहा कि आप हमारे नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज मंत्री को बख्शा नहीं जाना चाहिए और फिर हमला कर दिया। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री के काफिले पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला किया है। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के काफिले पर समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा किए गए हमले ने पार्टी के असली चरित्र को दिखाया है। उन्होंने आगे दावा किया कि पहले बीजेपी सांसद गीता पर भी हमला किया गया था। मौर्य ने कहा कि कल भाजपा सांसद गीता शाक्या पर भी हमला हुआ था। दोनों घटनाओं के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने सपा के गुंडों की मदद से करहल में हार के डर से केंद्रीय मंत्री पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी हमले के पीछे सपा का हाथ होने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि करहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के काफिले पर हमला यह दर्शाता है कि वहां सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव हार के कगार पर खड़े हैं और चुनाव में जीत लोगों के आशीर्वाद से होती है, गुंडों के आतंक और ताकत से नहीं।